मैं आदिवासी मुख्यमंत्री हूं इसीलिए मुझे विक्टिमाइज किया जा रहा है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी की बातें कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी है, अगले कुछ मिनटों में हम आपको ये सिद्ध कर देंगे। सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बहुत भारी भरकम बकाया है केंद्र पे और पैसा मांगने के कारण उनको जेल में भेजने की साजिश हो रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहेंगे कि विधानसभा की प्रोसीडिंग को पलट कर देख लें, उनके ही माननीय वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी का विधानसभा में बयान है कि केंद्र से हमें सब अपेक्षित सहयोग मिलता है, बैंक की राशि या अन्य राशि में जब भी हम लोगों ने केंद्र से जैसा जो आग्रह किया है वो केंद्र ने स्वीकार किया है। यह मंत्री रामेश्वर उरांव जी का ऑन रिकॉर्ड विधानसभा में बयान है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसके तक क्यों बोलने लगते हैं और उनका कहना कि कोयले की रॉयल्टी से लेकर बहुत लंबा और चौड़ा कोई उनका हिसाब बताते हैं। तो हमने उनको हमेशा कहा कि इसमें आप ये भी बताने का कष्ट करें कि जब आपके पिता आदरणीय शिबू सोरेन जी इस राष्ट्र के कोयला मंत्री थे तो उस समय क्या बकाया था और उस समय शिबू सोरेन जी ने क्या प्रयास किया था इस पैसे को लाने का। बहरहाल केंद्र के लिए झारखंड हमेशा एक स्पेशल राज्य है और प्रधानमंत्री जी हमेशा चाहते हैं इस ट्राइबल राज्य में कि इसका अपेक्षित विकास हो, राज्य का हमेशा सहयोग मिलता है। लेकिन हर घर नल में योजना में राज्य की क्या स्थिति ये भी किसी से छिपा नहीं है, पूरे राष्ट्र में ये अंतिम पायदान पर चल रहा है। अब लौटते माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, उन्होंने कहा कि मुझे जेल भेजने की साजिश हुई। भाई हम उनसे जानना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी झारखंड पुलिस 41A का हजारों नोटिस हर एक महीने में जारी करती है तो उसमें तो कोई नहीं कहता कि आपको जेल भेजने की साजिश हो रही है। तो एक केंद्रीय एजेंसी ने आपको नोटिस जारी किया तो इसमें आपको कैसे लग रहा है कि आप जेल जा रहे हैं? क्या आप अपनी अंतरात्मा की आवाज से इस बात को बोल रहे हैं कि आप जेल जा रहे हैं? क्योंकि कहते हैं ना कि आदमी बाहर कुछ भी कर ले उसकी अंतरात्मा में उसको सारी सच्चाई पता होती है कि उसने क्या गलत किया और इस गलती का अंजाम क्या होगा। तो शायद मुख्यमंत्री जी यहां पर अपनी अंतरात्मा की आवाज से जेल जाने की बात को कह रहे हैं। पर एक सिंपल सा नोटिस है साहब, सिंपल सा नोटिस को आप तामील करने की जगह आप इधर दौड़ रहे हैं उधर दौड़ रहे हैं, गलत बयानी का सहारा ले रहे हैं, कभी कह रहे हैं हाई कोर्ट में सब जुडिस है जबकि वो डिफेक्टेड होता है, कभी कहते हैं ईडी के पास कि हमने डिफेक्ट दूर कर लिया, फिर हाई कोर्ट से ऑर्डर आता है कि डिफेक्ट दूर नहीं हुआ इसलिए याचिका की अगली डेट पड़ेगी। तो मुख्यमंत्री जी तमाम हथकंडे अपना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इस प्रोसीजर को डिले करने का। और जो ये आदिवासी का विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि मैं आदिवासी मुख्यमंत्री हूं इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है, तो मुख्यमंत्री जी आपको अब कुछ फैक्ट्स को याद दिलाने का समय आ गया है। 28 मार्च 2010 को हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो तत्कालीन गुजरात के उस समय मुख्यमंत्री थे उन्होंने 10 घंटे SIT की जांच का सामना किया था और SIT के हेडक्वार्टर जाकर, तो उस समय तो उन्होंने कभी नहीं कहा था कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूं, मैं पिछड़ी जाति का मुख्यमंत्री हूं या मुझे कोई फंसाने की साजिश हो रही है। उस समय भी हमारे प्रधानमंत्री जो तक उस समय मुख्यमंत्री थे उनका वक्तव्य था मुझे न्याय पर विश्वास है, मुझे अदालतों पर विश्वास है और मुझे विश्वास है कि सत्य की जय हो। फिर अंततः उनको UPA के कार्यकाल में ही क्लीन चिट मिला और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने भी उनको इस मामले में क्लीन चिट दी। ये क्लीन चिट जो उनको SIT ने दी थी वो 10 अप्रैल 2012 को दी थी जिस समय यूपीए की ही सरकार थी। तो मुख्यमंत्री जी जो अपना आदिवासी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं वो सिर्फ ध्यान भटकाने की साजिश थी। हमारे वर्तमान गृह मंत्री जो उस समय गृह राज्य मंत्री थे गुजरात के, उनको CBI ने 9 घंटे तक अपने कार्यालय बुलाकर उनसे पूछताछ की थी। उन्होंने भी कभी नहीं कहा कि भाई मुझे किसी एक विशेष समुदाय का होने के कारण टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने भी कहा था कि मुझे न्याय पर भरोसा है और अंततः 1 अगस्त 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के द्वारा दी गई हमारे गृह मंत्री को क्लीन चिट को स्वीकारा। तो मुख्यमंत्री जी को जो बार बार ये उनकी जुबान पे बात आती है कि मुझे जेल भेजने की साजिश हो रही है, तो क्या ऐसा क्या उन्होंने कर दिया है? वैसे काफी चीजों को हम भी जानते हैं, जमीन घोटाला हुआ, उसके अतिरिक्त खनन घोटाला हुआ और इसके जितने मुख्यमंत्री जी के करीबी थे याद रखें उनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा जिसको ED ने मुख्य अभियुक्त माना था माइनिंग स्कैम के, आज तक मुख्यमंत्री ने उनको विधायक प्रतिनिधि के पद से नहीं हटाया। मुख्यमंत्री के तमाम करीबी जेल में है जितने घपला घोटाला स्कैम हुआ। लेकिन ED के एक समन पर
इस तरीके से वो जेल जाने की बात कह रहे हैं, तो हमने पहले भी कहा शायद मुख्यमंत्री अपनी अंतरात्मा की आवाज, उनकी जो है वो जुबान पे आ रही है, उनको पता है जितना घपला घोटाला उनके कार्यकाल में हुआ शायद अंततः उनकी नियति यही होने वाली है। और मुख्यमंत्री जी को मुझे लगता है अपने स्क्रिप्ट राइटर को बदलना चाहिए, क्योंकि अब उनसे वो गलत बयान ही करवाना है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 20 वर्षों तक भाजपा ने राज किया झारखंड में। मुख्यमंत्री जी या तो आप जानबूझकर गलत बयान ही कर रहे हैं या आपके स्क्रिप्ट राइटर आपको गलत स्क्रिप्ट लिख कर दे रहे हैं। मित्रों यह बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 23 वर्षों के कार्यकाल में कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा सोरेन परिवार 12 वर्षों तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पावर में रहा। वो कैसे रहा मैं आपको आंकड़ों के साथ बता रहा हूं। पहली बार 10 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे शिबू सोरेन जी 2/3/2005 से 12/3/2005 तक 10 दिन का कार्यकाल था। मधु कोड़ा जी जो निर्दलीय मुख्यमंत्री थे जिनको झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस चला रही थी वो 1 साल 346 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे 2006 से 2008 के कालखंड में। 145 दिन तक शिबू सोरेन जी 2008 से 2009 के कार्यकाल में मुख्यमंत्री बने थे, 145 दिन का वो कार्यकाल था। और 2009 से 2010 के बीच में शिबू सोरेन जी फिर से 153 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का पहला कार्यकाल जो था वो 13/7/2013 से 28/12/2014 तक 1 साल 168 दिन अपने पहले कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहे। और वर्तमान में मुख्यमंत्री जी 29 दिसंबर 2019 से अब तक लगभग 3 वर्ष 10 महीने तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और इसके अतिरिक्त उप मुख्यमंत्री भी रहे थे, उस समय मुख्यमंत्री जी ने 2 साल 129 दिन उप मुख्यमंत्री के बतौर बिताया था। और 2004 से 2014 के बीच में जो यूपीए का शासन काल था उस समय 623 दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन लगा था। और उस समय राष्ट्रपति शासन कहते हैं कांग्रेस का और जो यूपीए के एलाइज थे उनका एक्सटेंशन तब दफ्तर हुआ करता था और प्रत्यक्ष रूप से केंद्र की यूपीए सरकार राजभवन के माध्यम से राज को चला रही थी। तो यानी ये 12 वर्षों का डेटा ब्यौरा है जब सोरेन परिवार कांग्रेस प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से 23 वर्षों के शासन काल में रहा, जबकि मुख्यमंत्री कहते हैं कि 20 वर्षों तक हम रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस समय राष्ट्रपति शासन भी लगा करता था तो कांग्रेस के जितने बड़े नेता आज वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भी है वो महामहिम राज्यपाल के सलाहकार हुआ करते थे। तो कांग्रेस बिल्कुल डायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति शासन के बहाने राज्यपाल लगातार शासन करती थी। लेकिन हमें लगता है मुख्यमंत्री जी को अब पता है जजमेंट डे, मुझे लगता है सब जानते हैं वो कयामत की रात कहते हैं जिस दिन फैसला करता है ईश्वर कि किसने क्या सही किया किसने क्या गलत किया और वो उस हिसाब से फैसला होता है। मुख्यमंत्री जी को पता है उनकी वो कयामत की रात और जजमेंट डे नजदीक आ गया है, इसलिए उनके जो अंतरात्मा में उनकी जो भावना है वो उनकी जुबान पर निकल रही है जेल जाने की।